ओके ओके ओके, मैं समझ गया मैं समझ गया। तो यहाँ पे अभी हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो क्लाउड है, जो पोल्यूटेड क्लाउड है, इसके हमें आर पार जाना होगा, क्योंकि जैसे ही मैं इस पोल्यूटेड क्लाउड के आर पार गया, वैसे यहाँ पे ये खत्म हो गया। ओके, आई होप ये खत्म हो जाए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू गेम प्ले वीडियो। तो यार आज की वीडियो में हम अपना खतरनाक सा गेम वापस से खेलने वाले हैं, जो कि है मार्वल स्पाइडरमैन रिमास्टर्ड, मतलब ये रिमास्टर्ड वर्जन है। अगर आपको नहीं पता तो मैंने आप इस बार बता दिया, मतलब इससे पहले नहीं बताया था। खैर, पिछली वीडियोस में हमने क्या किया था, अगर नहीं पता तो आई बटन में लिंक दे रखा है, जाके जरूर से देख लेना। पिछली वीडियो बहुत ज्यादा कमाल की थी, मतलब काफी एक्शन था पिछली वीडियो में। पिछली वीडियो हमने ग्रीन गोब्लिन जैसे बंदे को पकड़कर गिरफ्तार करवाया था, क्योंकि वो तबाही मचा रहा था सिटी में काफी ज्यादा। तो वहां से अपना गेम आज हमने कंटिन्यू कर लिया है, और आज अपने नए ऑब्जेक्ट की तरफ हम जा रहे हैं। पता नहीं यहाँ पे क्या ही मिलने वाला है। यहाँ पे मैं फाइनली उतर चुका हूँ, अब देखते हैं अब क्या होगा। वैसे यार कमेंट करके मुझे जरूर से बता देना कि आज का सूट लग कैसा रहा है। मैं ट्राई करूंगा डिफरेंट डिफरेंट सूट कैसा लगा पहनने की। वैसे ये वाला सूट कमेंट करके बता रहा कैसा लग रहा है, ये मैं बताता हूँ कौन सा सूट है। अगर अगर आपको अभी तक समझ में नहीं आया तो मैं बता देता हूँ कौन सा सूट है। ये एक्चुअली वो वाला सूट है जब स्पाइडरमैन नो वे होम में पीटर पार्कर जब नए नए विलन से जाके मिलता है, मतलब पहली बार जब वो सूट पहनता है। खैर, अब अपनी लोकेशन पे आ चुके हैं और अब देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। वैसे सूट काफी बिल्कुल एकदम रियलिस्टिक लग रहा है, मतलब जो मूवी के अगर हम मुकाबले इसको कंपेयर करें तो बिल्कुल एकदम रियल लग रहा है। एकदम ऐसा लग रहा है जैसे रियल मूवी वाला स्पाइडरमैन बैठा है। तो अभी अपना फोन चला रहे हैं यहाँ पे और बर्गर वर्गर खा रहे हैं। वैसे तो मास्क तो हमने हटा नहीं रखा था, बर्गर पता नहीं कैसी खाएगा पीटर पार्कर। खैर एनीवेज, हम अपने किसी जगह पर आए, यहाँ लिखा है वेलकम टू फीस्ट शायद से। ओके, तो अभी हम ली के पास आए हैं। ओके ओके, मुझे याद आ गया, इस जगह पर हम पहले भी आ चुके हैं। यहाँ पे ली रहता है, मतलब ली नाम का बंदा है जो कि हमारा थोड़ा सा दोस्त टाइप का है, इससे हम पहले भी मिल चुके हैं। ये मिलेगा कहाँ पर? ओके, इसके अंदर है क्या शायद से? नहीं, इसके अंदर नहीं है, मेरे ख्याल से दूसरी तरफ जाना पड़ेगा मुझे। ओके, बाहर जाना है क्या? नहीं नहीं बाहर तो नहीं जाना, मुझे ऐसा लग रहा है मुझे शायद से दूसरे फ्लोर पर जाना पड़ेगा, मतलब ऊपर वाले फ्लोर पर जाना है। ठीक है ठीक है ठीक है, शायद से यही करना पड़ेगा मुझे, मुझे ऊपर वाले फ्लोर पर जाना है। ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट, मैं सही सोच रहा था। तो मैं ऊपर वाले फ्लोर पर आ चुका हूँ और अब देखते हैं यहाँ पे क्या होने वाला है। ओके, ये मैंने गेट खोला। ये बंदा बहुत गड़बड़ बंदा है अगर आपको नहीं पता तो। वैसे तो अभी तक तो ये बिल्कुल ठीक चल रहा है, इसको भूत नहीं लपटे, भूत नहीं चढ़े इसके ऊपर, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन इसको भूत चढ़ेंगे जरूर। ओके, तो यहाँ पे पीटर पार्कर अभी बता रहा है मिस्टर ली को कि मेरी जो एक गर्लफ्रेंड है उसने कुछ फोटोज वगैरह लिए थे किसी जगह पे और उसको एक मास्क मिला था। तो ये इस मास्क को हम मिस्टर ली को दे रहे हैं और हम शायद से मिस्टर ली से पूछेंगे कि ये क्या है और क्या कर सकता है। और मुझे लग रहा है कि ये मास्क कुछ गड़बड़ करेगा इस बंदे के साथ। ओके, तो ये बंदा बोल रहा है कि ये जो यहाँ पे निशान बना हुआ है वो ट्रांसलेट करता है डीमन की भाषा को, मतलब शैतानी भाषा को। ओके, तो ये बंदा बोल रहा है कि जब मैं छोटा था तो मेरे पापा मुझे भूत की कहानियां सुनाया करते थे, उसके जैसा ही है बिल्कुल ये। अब पता नहीं क्या बोलने वाला है। It could be connected to dangerous people. ओके, Mary Jane might want to find a different story. तो यहाँ पे बंदा बोल रहा है कि जो मास्क है एक्चुअली में बहुत ज्यादा खतरनाक लोगों से जुड़ा हुआ भी हो सकता है, तो इस मास्क से तुम थोड़ा सा बच के रहना। ओके, तो यहाँ पे क्या अपने पास रखने वाला है क्या मास्क को? तो शायद से पता नहीं अपने पास रखेगा या क्या करेगा। मेरे ख्याल से तो उसने अपने पास ही रख लिया है मास्क और उसके बाद उसे भूत भूत चढ़ जाएंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि कुछ तो गड़बड़ होगी उसके साथ मुझे पता है। ओके 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 ओके, तो यहाँ पे अभी हम बता रहे हैं अपनी गर्लफ्रेंड को बता रहे हैं कि भाई जो स्टोरी पे काम कर रही है मेरी जेन, उस स्टोरी को मिस्टर ली चाहता है कि वो मेरी जेन छोड़ दे, मतलब स्टोरी पे काम ना करे, क्योंकि ये स्टोरी एक्चुअली बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो अभी मेरी जेन बोल रही है कि उसको ढंग से पता भी है कि मतलब किस चीज के बारे में बोल रहा है, क्या मतलब वो शोर भी है या नहीं। तो अभी पीटर पार्कर ने बोला मैंने उसको ऐसे पहले कभी देखा नहीं बात करते हुए, बिल्कुल फर्स्ट टाइम था। तो अब पता नहीं शायद से कुछ इंटरेस्टिंग मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अब हो, तो अभी देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। ओके, तो अपना सूट हमने वापस से पहन लिया है और अब देखते हैं अब हम कहाँ जाने वाले हैं। अब शायद से कोई नया ऑब्जेक्ट आएगा बना हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे ओके, तो शायद से अभी डॉक्टर ऑक्टोपस के लैब में जाना होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने बोला है कि हमें डॉक्टर ऑक्टोपस के लैब में जाना पड़ेगा उससे पहले कि हमें वो मार दे। खैर, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा बना हुआ। न्यू साइड मिशन अनलॉक्ड, साइड मिशन नहीं चाहिए, मेन मिशन चाहिए। ओके 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 ओके, नहीं अभी भी नया मिशन आ नहीं रहा बना हुआ। ये मुझे लग रहा है मुझे टावर के पास ही जाना पड़ेगा, टावर के पास जाना मेरा शायद से भी मेन ऑब्जेक्ट भी हो सकता है।
ओके ओके मुझे लग रहा है यही मेन ऑब्जेक्ट है। तो टावर के पास मैं आ चुका हूँ और अब मुझे इसको जो है ना इसकी फ्रिक्वेंसी वगैरह ठीक करनी पड़ेगी जैसे मैंने पहले टावर्स की करी थी। तो ये तो मैंने कर दी। ओके नहीं नहीं अभी नहीं हुई, अभी नहीं हुई, अब होगी, अभी भी नहीं हुई। ओके 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 अब हुई थी। ठीक है अब हो गई। ये करना भी काफ़ी मेहनत वाला काम है। खैर मुझे अब तक ये नहीं पता चला, मतलब इतना बड़ा नूब वाली हरकत कर रहा हूँ मैं कि मुझे अभी तक ये नहीं पता चला कि अभी इन टावर्स को अनलॉक करने से या फिर इनको पूरी तरीके से ऑप्टिमाइज करने से हो क्या रहा है। शायद से मेरे ख्याल से उससे नेटवर्क की इश्यूज ख़त्म हो रहे हों, ऐसा भी कुछ हो सकता है मेरे ख्याल से। तो अभी शायद से ओके अब कहाँ जाना होगा मुझे, बैग लेने तो नहीं जाना। ओके हो सकता है बैग लेने जाना हो। ओके बैग का यहाँ पे सिंबल आ रहा है बना हुआ आइकन। ओके बैग किधर मिलेगा यार। ओके हो सकता है इधर मिल जाए, नहीं यहाँ भी मेरे ख्याल से नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक रेड कलर का निशान बना हुआ आ रहा है और ऑक्टोपस का। ओके ओके फाइनली हमारा मेन मिशन आ चुका है। मेन मिशन हमारा बैग के पास जाना नहीं था, मेन मिशन हमारा ये है कि अभी हम जाने वाले हैं डॉक्टर ऑक्टोपस के साथ, क्योंकि डॉक्टर ऑक्टोपस की कॉल आ चुकी है। ओके ओके तो डॉक्टर ऑक्टोपस ने बुलाया है और हम बोल रहे हैं डॉक्टर ऑक्टोपस से कि हम वहाँ जल्दी पहुँचने वाले हैं। तो पहले वहाँ पहुँच जाता हूँ और देखते हैं वहाँ पर क्या मिलने वाला है। ओके तो फाइनली अपनी लोकेशन पे मैं पहुँच चुका हूँ और अभी आंट मे की कॉल आई है अभी मेरे पास और वो बोल रही है कि आंट मे से मिस्टर ली ने बात करी है और मिस्टर ली काफ़ी ज़्यादा परेशान लग रहा था आंट मे को। खैर अभी जो भी है वो चीज़ बाद में देखेंगे, अभी अपने मिशन को जाके देखते हैं। अभी यहाँ पे मिस्टर ली नहीं डॉक्टर ऑक्टोपस के लैब पर आए अभी हम और लैब पर जाके देखते हैं अभी हमें क्या करना है। हो सकता है कुछ चीज़ें ठीक करनी हो जो डॉक्टर ऑक्टोपस ने बिगाड़ दी हो। खैर डॉक्टर ऑक्टोपस से भी लड़ाई होगी जैसे जैसे गेम प्रोसीड होगा उससे भी लड़ाई होने वाली है आई एम श्योर। तो अभी देखते हैं यहाँ पे क्या होने वाला है। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं अपना स्पाइडरमैन वाला सूट उतार कर वापस से अपने डॉक्टर वाले कपड़े पहन कर, डॉक्टर से कपड़े हैं ये। खैर अभी यहाँ से हमें कहाँ जाना है, ठीक है लैब के अंदर जाना होगा। तो ये कार्ड दिखा के हम अंदर जाते हैं क्योंकि यहाँ पे हर कोई अंदर नहीं जा सकता। तो यहाँ पे डॉक्टर ऑक्टोपस ओके तो यहाँ पे एक बंदा है जिसका हाथ नहीं है एक्चुअली में, और डॉक्टर ऑक्टोपस ने इस बंदे को हाथ दिया है और ये बंदा पूछ रहा है कि ये काम कैसे करता है। तो डॉक्टर ऑक्टोपस इसे बता रहा है कि ये बिल्कुल ऐसे काम करता है जैसे एक नेचुरल हाथ काम करता है। अब पता नहीं ये कितना सच बोल रहा है, वैसे तो ये काफी हद तक रियलिस्टिक दिख रहा है। सोचो अगर ये चीजें बिल्कुल रियल में लग जाए तो कितना अच्छा होगा। ओके तो यहाँ पे एक्चुअली में क्या हुआ है, यहाँ पे अभी ऐसी इक्विपमेंट्स बना दी हैं डॉक्टर ऑक्टोपस ने जो नोरॉन बोल रहा है कि वो गवर्नमेंट के रूल्स के खिलाफ है, मतलब जो इलीगल टाइप है। अभी मेरे ख्याल से जो इक्विपमेंट हमने एक बंदे को दिया था एज अ हैंड, अभी जो हाथ दिया था उस बंदे को, वो बता रहा है नॉर्मन कि वो भी इलीगल टाइप है, मतलब ऐसा ही कुछ बोल रहा है नॉर्मन। और ये बोल रहा है कि तुम इसे मतलब प्रोसीड नहीं कर सकते आगे और तुम्हें ये चीजें हटानी पड़ेंगी। तो यहाँ पे इन दोनों की दुश्मनी टाइप की हो गई है और अब ये मेरे ख्याल से अपनी तरफ करना चाह रहा है नॉर्मन पीटर पार्कर को। अभी देखते हैं क्या बातें कर रहे हैं। ओके तो यहाँ पे एक्चुअली मैं अभी पीटर पार्कर को नॉर्मन ये बोल के गया है कि तुम मेरे साथ बिजनेस कर सकते हो और ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी जो कि तुम्हारा इंतजार कर रही है। ओके तो यहाँ पे ये लोग थोड़ा सा परेशान हो गए, थोड़ा सा नहीं काफी ज्यादा परेशान हो गए, क्योंकि यहाँ पे पीटर डॉक्टर ऑक्टोपस जो चीजें बना रहा था ये बंदा उस चीज़ों को इलीगल वगैरह बोलकर ये चीज़ें उठा के ले गए, पूरी की पूरी चीज़ें उठा के ले गए इसकी। तो यहाँ पे ये क्या करने वाले देखते हैं अभी। मुझे लग रहा है अभी अपना सूट निकल के अब ये मारना मुरना शुरू जरूर करेगा। ओके तो ये बंदा बोल रहा है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं कोई नई जॉब कर लेता। तो मुझे ऐसा लग रहा है डॉक्टर ऑक्टोपस चाहता है कि हम इसके पास काम ना करें और दूसरी जॉब कर लें। तो वापस से अपने सूट में आ चुके हैं और अब देखते हैं अब क्या करना होगा हमें। तो यहाँ पे ओके अभी हमें शायद से नॉर्मन के पास भी जाना पड़ सकता है क्योंकि उसने हमें जॉब के लिए बुलाया है। तो अभी हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्ट बना हुआ आ रहा है यहाँ पे और मुझे नहीं पता ये क्या होने वाला है। तो मैं काम करता हूँ उसके पास जाके देखता हूँ पहले और देखते हैं यहाँ पे क्या मिलने वाला है। खैर अब यहाँ पर मैं आ चुका हूँ, यहाँ पे ये क्या चीज है, ओ स्कॉर्ब। ओके तो मेरे ख्याल से ओके तो यहाँ पे नॉर्मल मिल सकता है, यहाँ पे कौन मिलेगा मुझे नहीं पता। ओके हैरी है ये, हैरी की मतलब हैरी से भी बात चल रही है। ओके तो अभी भी यहाँ पे हमारी हैरी से बात ऑलमोस्ट हो चुकी है और यहाँ पे हैरी ने हमें कुछ बताया है कि कुछ यहाँ पे सीक्रेट टाइप की चीजें हैं, मतलब इस जगह पे जिस जगह पे भी हम आए हैं यहाँ पे कुछ खुफिया टाइप की चीजें हैं। तो हमें थोड़ी बहुत रिसर्चिंग करनी पड़ेगी यहाँ पे कि यहाँ पे है क्या। तो यहाँ पे ओके थोड़ा सा स्कैन एनालाइज वगैरह करना है क्योंकि ये ओसबोर्न की प्रॉपर्टी है जहाँ पे भी हम काम कर रहे हैं। ओके 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 ओके
ओके, तो मेरे ख्याल से अभी ओजफोन कुछ ऐसा कर रही है कंपनी जो कंट्री को नहीं सिटी को पोल्यूटेड बना रहा है, मतलब काफी ज्यादा पोल्यूशन फैल रहा है जैसे कि हवा में दिख रहा है। तो अभी ओके ओके ओके, तो पोल्यूशन यहाँ पे काफी ज्यादा हो रखा है, तो मुझे इसको खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ओके, मुझे पोल्यूशन खत्म करना पड़ेगा, लेकिन पोल्यूशन खत्म करना तो करना कैसे, मतलब पोल्यूशन खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? ओके, मैं ट्राई करके देखता हूँ। पॉइंट लॉन्च, ओके ओके ओके, नहीं नहीं ऐसे ऐसे तो काम नहीं बनेगा। खैर यहाँ पे मुझे कुछ और करना पड़ेगा, मतलब ऊपर जाके मुझे कुछ ऐसा करना है कि ये पोल्यूशन खत्म हो जाए। पर ये पोल्यूशन खत्म कैसे होगा, मतलब मैं इसके पास जाऊँगा कैसे? ओके 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 ओके, मैं समझ गया मैं समझ गया। तो यहाँ पे अभी हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो क्लाउड है, जो पोल्यूटेड क्लाउड है, इसके हमें आर पार जाना होगा, क्योंकि जैसे ही मैं इस पोल्यूटेड क्लाउड के आर पार गया वैसे यहाँ पे ये खत्म हो गया। ओके, आई होप ये खत्म हो जाए। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके। तो यहाँ पे ओके, पीटर पार्कर बोल रहा है, वैसे तो ये मतलब विजिबल हैं, जो क्लाउड हैं विजिबल हैं, पर ऐसा भी हो सकता है कि ये क्लाउड जो है सिर्फ हमें दिख पा रहे हैं और किसी को ना दिख पा रहे हो, क्योंकि क्योंकि हम सुपर सुपर हीरो हैं, तो हमेशा ऐसे से देख पा रहे हैं, और मेरे ख्याल से दूसरों को इसलिए नहीं दिखेगा क्योंकि दूसरे लोगों को ताकि पता ना चल पाए। तो अभी ओके, मैं काफ़ी ऊंचाई पर हूँ वैसे अभी इस टाइम, क्योंकि मतलब ऑब्वियस सी बात है मैं बादलों के बीच में खेल रहा हूँ, तो यार इतना तो बनता है। ओके, आई होप कि अब ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है, ये वाला भी कंप्लीट हो गया, लेकिन एक क्लाउड और आ गया बना हुआ। वैसे हमारी हालत ख़राब हो रही है मेरे ख्याल से, क्योंकि पीटर पार्कर इस टाइम खांस रहा है, तो एक क्लाउड और बचा है अभी। ठीक है ठीक है, इसको और पकड़ लेता हूँ। ओके, इसमें भी आ गया मैं, नहीं 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 अभी थोड़ा सा बचा है। ओके, पीटर पार्कर की हालत ख़राब हो रही है। ओ भाई, पीटर पार्कर खांसे जा रहा लगातार। चलो खैर कोई बात नहीं, अभी मुझे एक थोड़े बहुत और क्लाउड बचे हैं जिनको मुझे निपटाना पड़ेगा। तो पता नहीं वैसे भी कितने क्लाउड आने वाले हैं यहाँ पे टोटल, पर अभी देखते हैं यहाँ पे कितने क्लाउड बचे हैं। वैसे दो दिखा रहा है, मतलब बढ़ते चले जा रहे हैं अपनी आप ही, लेकिन आई होप लिमिट तो होगी कोई ना कोई। तो ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, मुझे ऊपर से कूदना चाहिए इसके पास। ठीक है, ये आया मैं यहाँ पे, अब मैं इसके ऊपर कूदूंगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके। तो स्पाइडरमैन बोल रहा है ये तो मैं किसी तरीके से झेल रहा हूँ, अगर ये लोगों तक पहुँच गया तो लोग पागल हो जाएंगे। खैर अभी यहाँ से कहाँ से जंप करूँगा मैं? ओके, यहाँ से पता नहीं कैसी जंप कर पाऊँगा। खैर अभी मुझे लगता है किसी ऊँची बिल्डिंग पर चले जाना चाहिए मुझे। ओके 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 ओके, ये वाली बिल्डिंग मेरे ख्याल से परफेक्ट रहेगी, क्योंकि यहाँ से मैं शायद से कूद सकता हूँ। ओके 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 ओके, नहीं 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 यहाँ से भी नहीं कूद पाया। ओ भाई 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 भाई, यहाँ से मैं कूदूंगा कैसे मेरे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली मैं काफ़ी ज़्यादा ओके ओके, यहाँ भी शायद से कर लिया मैंने, नहीं नहीं अभी भी नहीं हुआ, वैसे तो हो जाना चाहिए था पर अभी तक हुआ क्यों नहीं है। ओके ओके, ये भी हो गया। ओके, तो मेरे ख्याल से मैंने सारे के सारे जो बादल थे वो निपटा दिए, तो यहाँ पे भी कुछ हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे भी दो कारों के थ्रू पोल्यूशन आ रहा है काफ़ी सारा, तो यहाँ पे भी स्पाइडरमैन ने बोला है कि मतलब दो कारों के थ्रू पोल्यूशन आ रहा है काफ़ी सारा, तो मुझे उसे रोकना होगा, तो मैं उसके पास चला जाता हूँ पहले। ओके, ज़्यादा दूर है नहीं, वो एक दूसरे के पास ही है वो कारें, तो अभी देखते हैं वो कौन सी कार है और कौन बैठा है उनके अंदर। वैसे तो ओजबोर्न की कार है वो। ओके, ये रही वो कारें, अब क्या करना होगा मुझे? नहीं नहीं ये कार नहीं है, ये कार नहीं। ओके, यही कार है वो। ठीक है, यहाँ पर करना क्या है, करना क्या है, करना क्या है? ओ भाई, ओ नहीं 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 नहीं, इस कार ने टक्कर मार दी मेरे। ओके, अब यहाँ पे क्या करना होगा? ओके ओके, वो कार भाग रही है, पता नहीं क्या ही करना होगा मुझे, यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा यार। ओके, ये कार ने तो टक्कर मार के मुझे भाग गई, अब ये वाली कार। ओके ओके, यहाँ पे इक्विप करना कैमरा, मेरे ख्याल से इसकी फोटो वगैरह खींचनी है मेरे ख्याल से। ओके, इसकी फोटो खींचनी है, ठीक है। ओके, फोटो खींचनी थी, ठीक है। ओ भाई, फिर टक्कर मार दी ने मेरे, और मुझे यहाँ से भागना होगा और दूसरी वाली कार की फोटो खींचनी होगी जल्दी से, ताकि एज अ प्रूफ मैं जमा कर पाऊँ कि भाई ये लोग यहाँ पे मतलब पोल्यूशन फैला रहे हैं काफ़ी यार है, और ओजबोर्न वाले मतलब इतनी बड़ी कंपनी वाले होकर पोल्यूशन फैलाते फिर रहे, तो ये गलत बात है। तो यहाँ पे मैं दूसरी वाली कार के पास भी ऑलमोस्ट आ चुका हूँ, और अब मैं इसकी खींचूँगा फोटो। ठीक है, ये खींच ली भाई मैंने इसकी फोटो। ओके, अरे यार क्या कर रहा हूँ। ओके, अब खींचेगी फोटो, ठीक है। तो फाइनली मैंने इसकी भी फोटो खींच ली है, और मुझे लगता है कि यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो चुका है, मतलब आज का मिशन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। वैसे तो यहाँ पे एक लोकेशन बनी हुई आ रही है, लेकिन पता नहीं है जाना है या नहीं जाना है। वैसे ओके ओके ओके, मेरे ख्याल से यहाँ पे जाना है, और यहाँ पे ऊपर जाके
देखता हूँ भी क्या करना होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं फाइनली आ चुका हूँ, अब यहाँ पे क्या करना होगा। ठीक है, मुझे यहाँ की भी फोटो खींचनी होगी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, फाइनली मैंने सारी पिक्चर्स मेरे ख्याल से ले ली हैं और अब हमें पिक्चर शायद से मोस्ट प्रोबेबली डॉक्टर ऑक्टोपस को देनी होंगी और यहाँ पे हमारा ये वाला मिशन भी कंप्लीट हो चुका है। तो यार बस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर इसी तरह से लाइक कर देना, अगर चैनल पहली बार आएगा तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन लाजमी लाजमी ऑन कर लेना ताकि अपने चैनल पर कभी भी कोई वीडियो डालूँ तो उसका वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और कोई भी गेमप्ले वीडियो मिस ना हो। और मुझे कॉमेंट करके बता देना कि अब तक ये गेम कैसा लग रहा है। मैं तो मतलब अब तक इस गेम पे मतलब इससे ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मुझे अभी तक किसी गेम पे मिला नहीं है। तो आई होप कि आपको अच्छा लग रहा हो, अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके बता देना, बुरा लग रहा है तो भी कमेंट करके बता देना। मैं मिलता हूँ ऐसी ही कोई वीडियो है। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।